हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक वर्नियर कैलिपर का एक पूरा का पूरा स्टडी किया था। आज ना मैं जो भी लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था उसकी मैं एक छोटी सी समरी बनाकर तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या हमने सीखा था। पहला हमने सीखा था कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था वर्नियर कैलिपर के लिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, क्लियर। दूसरा हमने सीखा था कि हमें किसी भी चीज की अगर रीडिंग निकालनी हो तो उसका हमने पूरा का पूरा लॉजिक के साथ पढ़ा था। अगर ये बात करें सिर्फ अगर हम फिजिक्स लैब की, तो वहां पे कैसे लिख करके आते हैं, तो मैं उसका फटाफट तुम लोग को एक स्टेप वाइज मेथड बता देता हूँ। वो स्टेप वाइज मेथड क्या है, हाउ टू क्वेश्चन होगा, हाउ टू ऑब्टेन रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। पहला क्या करते हैं हम लोग, फाइंड एमएसआर मतलब क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग दैट इज मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन विच इज जस्ट बिफोर वर्नियर जीरो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, फाइंड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग थर्ड मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट फोर्थ पॉइंट एड, ठीक है, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग। फोर्थ पॉइंट एड एमएसआर एंड VSR, ठीक है, दिस गिव्स ऑब्जर्व रीडिंग। ये बेसिकली चार स्टेप जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी तरह की रीडिंग को लैब में ले सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर पिछली बार तो आपने सर बहुत समझा दिया था उसमें, तो इसलिए समझाया था बिकॉज वो डिटेल जो है ना हमको चाहिए होती है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। जो उसके लिए हमको हर छोटी सी छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज का आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं वो। लेकिन अगर हमको फिजिक्स लैब की बात हो ना, तो हमको चार स्टेप याद रखने, इसमें मैं दो स्टेप और ऐड करूंगा एरर पढ़ाने के बाद, लेकिन ये चार स्टेप है हमारे बोर्ड के लिए ना, फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए ना, उसकी बात देखो। अब ये हमने समझ लिया कि कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब देखो कि इसमें जो जीरो एरर होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग,
देखो अब वर्नियर कैलिपर्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वर्नियर कैलिपर्स हम लोग यूज करते हैं ना, तो टाइम के साथ क्या होता है, वो थोड़ा खराब हो जाता है। खराब हो जाते हैं, खराब हो जाने का मतलब क्या होता है कि जो वर्नियर कैलिपर का जो जीरो होता है ना, ऐसा मेन स्केल हो गया और जो वर्नियर स्केल हो गया, इन दोनों के जो जीरो होते हैं ना, ठीक है, वो कितनी बार होता है, ऊपर नीचे नहीं होते। ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। वर्नियर स्केल का जीरो जो होता है ना, मेन स्केल के जीरो के आगे भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है। अगर तुम्हारे वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के अगर आगे होता है इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। और ये कितना आगे होता है, ठीक है, वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। देखो ये वाला, ये जो छोटे से पार्ट है वीडियो के, देखो ये समझाई अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कौन सा एक कर अभी, ठीक है, ये हमारा अच्छा स्केल है। ऊपर रेड वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। ये पीछे ही गया तो होता नेगेटिव जीरो एरर, ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, जो मैं बता रहा था ना पॉजिटिव, वो ये वाला एरर है। ठीक है, ये पॉजिटिव एरर हम कैसे निकालते हैं, ये पता ऐसे लगता है कि मान लो कि पॉजिटिव एरर मतलब पहले से ही वहां पे किसी ने कुछ फंसा के रख दी। हालांकि होता नहीं, वो डिफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने फंसा के रख दिया। तो अगर हमको ये निकालना है ना कितना एरर होगा, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा जीरो है जो कि मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है। 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ वाला डिवीजन क्या कर रहा है, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हम यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इक्वल्स टू फिफ्थ लीस्ट काउंट। इस एपरेटस के लिए, मैं इस एपरेटस के लिए कितना लीस्ट काउंट होगा, तो ये 1 mm का होगा बाय 10 डिवीजन, दैट इज 1 mm बाय 10, दैट इज 0.1 mm। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वही था। हम ये वाले केस के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। और ये फॉर्मूला कहाँ से है, बेसिक ओरिजिनल फॉर्मूले से आया है, लेकिन ये हम तभी यूज करते हैं जब हमारा स्कूल वाला होता है जिसमें कि एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ 1 mm होती है और वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन। उसके बाद देखो, देयरफॉर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.5 mm। देयरफॉर एरर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा हमारा प्लस 0.5 mm। ठीक है, क्लियर, एरर हमारा के 0.5 mm, ठीक है, पॉजिटिव एरर। अब देखो यहाँ पे अगर हमने ऐसा फॉल्टी यूज किया अगर वर्नियर कैलिपर, तो इसमें हम एक्स्ट्रा लेंथ नाप रहे हैं ना, एक्स्ट्रा लेंथ इतना नाप रहे हैं। तो हम जो भी हमारा मान लो जब हमने कोई ओरिजिनल रीडिंग निकालते हैं, तो भी एक्स्ट्रा नाप है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे कि मान लो हमने ऑब्जर्व रीडिंग जो भी निकाली, जो मैंने पीछे बताया कि ऑब्जर्व रीडिंग हम जो भी निकालते हैं, ठीक है, उसमें से हमको अगर एक्चुअल रीडिंग निकालनी है ना, क्या करना होगा, हमको ऑब्जर्व रीडिंग से हमको माइनस ये एरर करना होगा। हमें क्या करना है, ये ऑब्जर्व रीडिंग में से हमको ये एरर को माइनस करना होगा, क्लियर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मान लो जैसे अगर प्लस 0.5 आया, हमारी रीडिंग अगर जो भी आ रही है, ठीक है, 2.45 आ रही है, तो हम माइनस ये कर देंगे, जो भी हमारी रीडिंग आ रही है उस पर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लैरिटी हमको मिल गई पॉजिटिव एरर की, ठीक है। तो पहले तो ऑब्जर्व रीडिंग निकालते हैं, फिर एरर अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको माइनस कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारा हो गया पॉजिटिव एरर की बातें,
जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस करते हैं। टोटल रीडिंग क्या हो रहा थी हमारी, एम एस आर प्लस एल सी इंटू वी सी, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब जीरो एरर निकालने के लिए मेंस रीडिंग निकाला था हमने, ठीक है। एम एस आर जीरो हो गया क्योंकि तो हमने देखा था वो वर्डनियर के पहले क्या जीरो आ रहा था वहां पे, तो एम एस आर को जीरो ले लिया, एल सी को लिया 0.1 × 5, ठीक है। यहाँ पे मेंस की रीडिंग जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि तो चेक कर लेना पीछे वीडियो में जाकर के, वहां पे वो वर्डनियर के जीरो के जस्ट पहले जो था वो जीरो था, ठीक है। तो ऐसे कोई खास बात नहीं है, वैसे भी जब एरर निकालते हैं ना तो एम एस आर जीरो आता ही आता है, इसलिए उसके लिए वरी नहीं करना। जब भी जीरो निकालते हैं ना तो मेंस की रीडिंग क्या आती है, जीरो ही आती है। अब देखो यहाँ पे क्या हम देखो, यहाँ पे नेगेटिव एरर आएगा, ठीक है। देखो वर्नियर का जो जीरो है ना मेन स्केल के पीछे में आ रहा है, ठीक है। जब ये पीछे में आता है ना तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर होता है वहां पे, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करते हैं नेगेटिव एरर की, तो यहाँ पे क्लियरली से देख लो, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है ना, तो अगर ये पीछे अगर आ रहा है ना, ठीक है, तो नेगेटिव एरर होता है। यहाँ पे देखो नेगेटिव एरर, इसमें एक्चुअल रीडिंग जो हम नाप रहे हैं ना उसपे हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये पीछे जा रहा है, तो आपको उसपे क्या करना, जैसे हमने अपने ऑब्जर्व रीडिंग में हमने वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा लॉजिकली कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा नंबर है, वो सिक्स्थ नंबर है, ठीक है। तो अगर मान लो, पहले मैं तुमको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेगेटिव एरर कैसे निकालते हैं। नेगेटिव एरर निकालने का तरीका पॉजिटिव एरर का निकालने के तरीके से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्या अलग होता है जरा पहले मैं एक बार समझा देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमारा जब पीछे आता है तो मान लो जो डिवीजन कोइंसाइडिंग है वो सिक्स्थ वाला है, ठीक है। पीछे आएगा ये तो डिवीजन कोइंसाइडिंग कौन सा है, सिक्स्थ वाला, जो पीछे जा रहा है डिवीजन कोइंसाइडिंग सिक्स्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेगेटिव एरर इक्वल्स टू 10 - 6 इंटू एल सी करते हैं, दैट इज 0. एल सी अगर 0.1 है तो 0.1 mm यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव से। नेगेटिव एरर की दो बातें होती है, एक तो जो भी डिवीजन कोइंसाइड करता है 10 माइनस वो करते हैं हम लोग, पहली चीज। दूसरी, जो भी आंसर तो उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। दो बातें ध्यान, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि पॉजिटिव एरर में तो 10 माइनस करते नहीं थे, पॉजिटिव एरर में जो था वही लिख देते थे, साइन प्लस लगाते। नेगेटिव एरर में जो डिवीजन कोइंसाइड करता है उस पर 10 माइनस करते हैं और साइन क्या लगाते हैं हम लोग वहां पे, नेगेटिव लगाते हैं। तो सवाल ये है कि 10 माइनस क्यों करते हैं, नेगेटिव एरर तो इसलिए माइनस लगाते हैं, लॉजिकल बैठता है, लेकिन 10 माइनस क्यों करते हैं, जरा देखो उस चीज को भी यहाँ वीडियो से। देखो यहाँ पे डिवीजन कोइंसाइडिंग कौन सा है, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाकर के देखें, देखो ये डिवीजन कैसा है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। पीछे जा रहा है तो नेगेटिव एरर है, और कौन सा नंबर कौन सा कर रहा है, यहाँ पे सिक्स्थ वाला कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये सिक्स्थ वाला कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा पीछे कितना गया, ये एक्स्ट्रा जो था पीछे कितना गया था, तो ऑब्वियस ही बात है हमने क्या किया, यहां से कितना ही एक्स्ट्रा पीछे गया था, हमने इसको निकालने के लिए इसको सारा समझना, ये इतना गया था पीछे एक्स्ट्रा, ठीक है, यहां तक गया, ठीक है। तो हम क्या देखें कि
ये एक्स्ट्रा इतना गया पीछे, सिक्स डिविजन कौन साइड खा रहा है, क्लियर हो गया यहाँ पे बात देख लो। एक्स्ट्रा पीछे इतना गया ठीक है, और सिक्स डिविजन कौन साइड खा रहा है। अब सोचो ये एक्स्ट्रा पीछे कितना गया, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने ऐसा धक्का दिया कि ये जीरो इसके साथ कॉन्साइड कर रहे, हमको निकालना कि कितना पीछे गया, तो हमने क्या किया इसको धक्का दिया ताकि जीरो यहां पे वापस से आ जाए। अभी देखो इसको आगे धक्का देंगे ताकि जीरो वापस यहां पे आ जाए, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना से ये पीछे गया था ना, ताकि जितना से इसको आगे लाएंगे उतना से पीछे गया होगा। अब देखो जब ये आगे लेकर के आएंगे तो अगर हमने ये लेंथ निकाल ली, देखो ये लेंथ, ये पहले सिक्स यहां पे था, अगर हम निकाल पाते हैं कि ये लेंथ कितनी है, अगर हम निकाल पाते ये लेंथ कितनी है, तो ऑब्वियसली बात है कितने से तो ये पीछे गया था, क्योंकि हमने इसको आगे रखा दिया जीरो पे आ गया ये, तो ये जो कॉन्साइड कर रहा था सिक्स वाला पहले इसके साथ ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये कितना आगे गया अगर हम ये निकाल पाते हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट वी कैन फाइंड ये पीछे कितना था पहले, पीछे कितना था पहले, ये कैसे निकलेगा कि हमने धक्का दिया जीरो पे लाने के लिए तो कितना आगे बढ़ गया ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा देखो, ये इतना सा पार्ट है खाली निकालने के लिए, तो ये बात तो पक्की हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस अपने निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू ये सिक्स था, तो ये डिस्टेंस कितना देखो, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1 mm हो जाएगा क्योंकि वर्नियर स्केल का डिवीजन है। अच्छा उसके बाद याद है मैंने बताया था कि वर्नियर स्केल में क्या था, जो वर्नियर स्केल में जो वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन था वो मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन से कितना पीछे था, तो आंसर था 0.1 mm। वर्नियर स्केल का जो सेकेंड डिवीजन था मेन स्केल के सेकेंड डिवीजन से कितना पीछे था, तो आंसर है 0.2 mm, ऐसे जा रहा था ना याद को मैंने बताया था। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का अगर सिक्स्थ डिवीजन है तो ये कितना पीछे होगा सिक्स्थ से, तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ से ये पीछे होगा यहाँ पे 0.6 mm से, है ना। ये जो वर्नियर का फर्स्ट वाला वन से कितना पीछे 0.1, टू वाला कितना टू से पीछे 0.2, थ्री वाला कितना पीछे थ्री से 0.3, फोर वाला कितना पीछे फोर से 0.4, फाइव वाला कितना पीछे फाइव से 0.5, सिक्स वाला कितना पीछे सिक्स से 0.6 mm। अगर ये 0.6 mm पीछे है तो ये पूरा 1 mm है, और यहाँ से ये कितना आ रहा है 1 mm माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 0.4 mm। मतलब ये कितना एक्स्ट्रा आगे भागा था सिक्स वाला, 0.4 आगे भागा, मतलब ये कितना पीछे था यहाँ पे 0.4 था ना। देखो तो हमने क्या निकाला आंसर, निकाला था 0.4 mm, है कि नहीं बात समझ में, ठीक है। देखो ये जो चीज तुमको मैंने सिखाई है ना, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है ठीक है, जो कि तुमको बहुत रेयर ही तुम्हें कहीं पे ये सब चीजें सीखने के लिए मिले ठीक है। इस वीडियो में थी तो मैंने यही वीडियो को सिलेक्ट किया, अतः ये बहुत लॉजिकल चीज है ठीक है। तुम्हें हर बुक पे ये माइनस करके लिखा हुआ रहेगा लेकिन कहीं पे प्रॉपरली समझाया नहीं जाता कि ऐसा क्यों होता है, तुमको एक क्लियर समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ से ये इतना आगे बढ़ा है, मतलब इसको मैं इतना आगे लेके जाऊंगा, तो दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होता है 1 mm, और ये कितना हो गया, ये सिक्स वाला सिक्स से 0.6 पीछे होगा तो ये 0.4 mm ठीक है। सो नेगेटिव एरर क्या होगा, 0.4 mm हो गया। जब ये बात फिजिक्स लैब की आती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, नेगेटिव एरर देखे तो 10 - 4 डिवीजन कौन साइडिंग कर देते हैं, एलसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। उसके बाद देखो आगे तो ये हो गया 0.4 mm। जब एरर नेगेटिव होता है ना तो हमारा आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें को इसको माइनस माइनस करके ऐड करना होता है एरर, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी हमारी रीडिंग आती है ना उसमें से हम एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये पहले से तो माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा ठीक है।
और एट देखा जाए तो होना भी चाहिए बिकॉज ये पीछे था, ये कब नाप रहा था, तो जब प्लस 0.4 करेंगे ओवरऑल तो वो ज्यादा आएगी ना, तो क्योंकि रीडिंग कम आ रही थी तो हम उसको माइनस माइनस करके वो प्लस हो जाएगा। करेक्शन पॉजिटिव आ रहा ना, ऐड करें डायरेक्ट। लिखा ना वर्डनर सिक्स, अच्छा उसके बाद देखो देखो माइनस वन प्लस सिक्स माइनस 0.4 हो गया डायरेक्टली, तो जीरो करेक्शन प्लस 0.4 ऐड कर दो। अच्छा फटाफट ये हमारा हो गया, अब हम क्या करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं। अब मैं लिख देता हूं एरर्स के बारे में, थोड़ा सा छोटा नोट्स रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। बाकी देखो जो मैंने लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, बाकी तो काफी चीजें इसमें लॉजिकल थी। एरर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर ठीक है। तो पॉजिटिव एरर जीरो एरर कैसे निकालते हैं, टू फाइंड फाइंड डिवीजन कोइंसाइडिंग, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट दैट इज एरर, ठीक है। दूसरा एरर कैसा होता है, नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर, फाइंड डिवीजन कोइंसाइडिंग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फाइंड 10 माइनस डिवीजन कोइंसाइडिंग, 10 माइनस करना होता है 6th वाला का तो 10 माइनस 6 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एलसी, दैट इज एरर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय एलसी, एक चीज और, पुट नेगेटिव साइन बिफोर इट, इसमें नेगेटिव साइन नहीं पुट करते, इस पर 10 माइनस नहीं करते, इस पर 10 माइनस करते और नेगेटिव साइन लगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एरर बन गया। उसके बाद अब देखो ये हमारा हो गया, समझ में आ गया एरर कैसे निकालते हैं। अब अगर हमने एरर निकाल लिया है तो अब हमें क्या करना होगा कि जो हमने पीछे चार स्टेप सीखे थे ना इसके पहले व्हाइट स्क्रीन पे, उसके लिए पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर, अगर ठीक है एरर, और यहां पे पुट एरर विथ साइन जो हमने किया था चौथा, हमने बीच पे एरर के बारे में पढ़ा, वो पांचवा स्टेप हम जो एरर को लेकर के चलते आगे बढ़ते विद साइन, ठीक है। पॉजिटिव एरर है तो प्लस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव एरर है तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। अगर तुमको ये वर्नियर कैलिपर समझ में आ गया तो तुम आईआईटी के एडवांस के कोई भी लेवल के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते, ठीक है। और जितने मैंने पॉइंट्स लिखा दिए हैं, अगर तुमको खाली बोर्ड बोर्ड में इंटरेस्ट है, जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, दैट इज इनफ फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम,
तुमको वीडियो के साथ हर एक कंसेप्ट का तुमको प्रॉपर्ली समझ में अच्छे से आना चाहिए, क्लियर। अच्छा अभी हम लोग ना थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना तुम लोग को इसके क्वेश्चन जो है ना, फिर भी तुम लोग को ना मैं डायग्राम जो है ना तुम लोग को मैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम लोग वहां से डायग्राम को एक बार फिर से रेफर कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यहां बोला गया डायग्राम शोन इज ए सेक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो द फाइनल रीडिंग, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मेटल शीट। तो हमको बताना है इसमें पहले लीस्ट काउंट निकालने बोला गया। तो लीस्ट काउंट का हमारा यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिवीजन जो है ना वो लिखा हुआ नहीं, तो अंडरस्टूड है कि 1 mm का, ये एक डिवीजन कितने का है 1 mm का है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे हो जाएगा, लीस्ट काउंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 है, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल कितना है ये है 10, ये 0.1 mm हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर पूछा गया कि एंड द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो द फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्लियरली ये 4 है, 4.1, 4.2, 4.3, और ये जो अपना जो जीरो आ रहा है ना, देखो ध्यान से, जो वर्नियर का जो जीरो है इसके पहले रीडिंग क्या है 4.3 दिख रही है, 1, 2, 3, 4.3 दिख रही है ना। तो जब रीडिंग निकालने के बजाय तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे 4.3 सेंटीमीटर, क्लियर। जो भी आएगा लिखेंगे उसको 4.3 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद वर्नियर स्केल डिविजन कोइंसाइडिंग, कौन सा डिवीजन कौन सेट करें, देखो तो 1, 2 ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये वाला करा दो, है ना, ये वाला, यहां से देखो ये वाला कर रहा है, अगर ये वाला कर रहा है
अगर ये वाला कर ध्यान से देखो तो ये डिवीजन कौन सा देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला कर, ये 8 हो जाएगा ठीक है। अगर ये 8 हो जाएगा हम कह ले सकते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 8 इंटू लीस्ट काउंट, 8 इंटू 0.01, देयरफॉर ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम एस आर दैट इज 4.3 प्लस 0.01 ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है जो मैंने कर दिया वो। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को। क्वेश्चन नंबर 19 पकड़ते हम लोग अब। 19 में क्या बोला गया, वर्नियर स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मेन स्केल को कितने कितने में डिवाइड किया गया, 20 पार्ट में, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलेगा 19 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद 20 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। 19 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द 20 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, तो फाइंड द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट देखो, अगर तो देखो हमारा पता है वो स्टैंडर्ड होता है भाई, 1 mm वाला है क्लियर, और क्या कहते हैं, और वहां पे बोला गया कि 1 cm उसका क्या कहते हैं मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल जो है 1 mm का और 10 डिवीजन है, तब तो हम उसको फटाफट कर लेते थे वैल्यू 1 मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं आ रहा हमारे लैब वाला, तो मैंने बोला था कि अगर ये वाला भी हम जो बेसिक जो सीख के रखे थे ना, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग इसको, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट पड़ता तो हम लोग ये कर लेते स्पेशल केस के लिए। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा अगर आ जाता है ना, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम बेसिक मेथड में जाने का जो ये वाला है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, देखो तो बोला गया कि 20 डिविजन्स 19 डिविजन था तो मेन स्केल कौन सा भी 20 डिविजन था वर्नियर स्केल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये हमको निकालना है, तो मेन स्केल रीडिंग तुमको पता ही 1/20 है, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगा देखो, 19 mhd और 20 vhd, दिस इंप्लाइज दैट vhd 19/20 mhd, दैट मींस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 19/20 × mhd कितना था, mhd तो मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1/20 cm का ना, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन है कितने का, 1/20 cm का, तो 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा हमारा, 1/20 आ रहा है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ होगी ना, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ है, ये एक वर्नियर स्केल रीडिंग का बोल सकते हो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं ऐसा 1/20 माइनस ये कितना 19/400 है सेंटीमीटर, ये कितना करेंगे 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 1/400 सेंटीमीटर, दैट इज इसको अगर हम चेंज कर देते अगर एमएम में हमारा आंसर आ जाएगा, एमएम में भी आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मैंने ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, ठीक है, 2.5 बाय 1000 हो जाएगा ये
सेंटीमीटर दैट इज 0.00 1000 बचेगा ना, वन में पुराने सेंटीमीटर भी छोड़ दो आंसर तो कोई दिक्कत नहीं चल जाता, ठीक है। बाकी इसको निकाल सकते हैं हम लोग, जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव सेंटीमीटर ही होगा। आई होप तुमने जो आंसर दिया है ना दैट इज नॉट प्रॉपर। बुक का आंसर जो ना मुझे इतना सही नहीं लग रहा है, 0.0025 ही होगा, ठीक है। तुम इस पर ऐसा कर सकते हैं, तो याद रखना अगर हमारा कोई भी अगर बोला जाए 1 mm 1 mm स्केल डिवीजन है और 10 डिवीजन से 1 year स्केल पे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सीधे वैल्यू ऑफ 1 mm स्केल डिवीजन बाय करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई भी अगर आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको हमेशा इसी मेथड से प्रोसीड करेंगे। यूट्यूब पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 1 mm scale division है 120 centimeter, 120 at 19 of 400, 19 of 400 minus 1 inch scale division हो जाएगा 1/20, 20 और 20 में 19 हो जाएगा 1/400 centimeter, ठीक है। 1/20 centimeter जैसे 0.25 by 100 जी बराबर सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर, ठीक है। डायग्राम बिलो शो द पार्ट ऑफ द वर्नियर मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द मेटल बॉल, ठीक है। मेटल बॉल का डायमीटर मेजर करने के काम में आता है ये, ऐसा करके लगभग ऐसे फंसा सकते हैं हम लोग उसको। तो बोला गया है फाइंड द लीस्ट काउंट एंड द रेडियस ऑफ द बॉल, तो बता रहा हूं बॉल का लीस्ट काउंट क्या, ये लीस्ट काउंट क्या है स्केल का। तो लीस्ट काउंट अगर यहां पे देखा जाए तो कुछ मेंशन नहीं किया गया, मतलब इसको 1 mm का लेंगे और यहां पे कितने डिवीजन से वर्नियर स्केल पे 10 है। लीस्ट काउंट क्या था, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दैट इज 0.1 mm हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहां पे नेक्स्ट पार्ट है कि बताओ यहां पे बॉल का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस निकालने के लिए हमारा तरीका क्या था कि हम यहां पर पहले तो मिटा देता हूं मैं, हम यहां पे देखते हैं कि हमारे जो वर्नियर है ना, ठीक है, जो हमारा जो वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले कौन सी रीडिंग है। तो देखो तो ये वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले कौन सी रीडिंग है, 4.1, 4.2, 4.3 और ये 4.3, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग हमारी हो जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद देखो फिर हमसे पूछा जाएगा कि पूरा आंसर निकालना है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग क्या है। ये देखो तो कौन सा वाला कर रहा है, ये कर रहा है ये वाला, देखो क्लियरली कर रहा है नहीं कर रहा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कर रहा है वो 7, ठीक है 7 वाला कर रहा है। तो देयरफॉर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 7 × 0.8 = 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग कितनी है 4.37 सेंटीमीटर। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डायमीटर देगा, हमें निकालने क्या बोला गया, हमें निकालने से रेडियस बोला गया, ठीक है। अगर हमको रेडियस निकालने के लिए बोला गया है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय टू,
इज 4.37 बाय 2 दैट इज 2.2 वन जा 2 बचा कितना 72 इज 16 ठीक है बचा 2010 कितना सेंटीमीटर 2.185 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे 2 से लेकिन तो हमारा डायमीटर कितने कितने डेसिमल प्लेस कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहता है 3 फिगर है आपको अपने आंसर को कितने फिगर में रखना 3 फिगर में रखना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.18 सेंटीमीटर क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे मैंने क्या बताया था अगर यहाँ पे 5 अगर आ जाता है ना ठीक है तो हम राउंड ऑफ करते हैं उसके पहले अगर ऑड नंबर इवन नंबर होता है तो उसको नहीं छोड़ते हैं अगर ऑड नंबर होता है तो उसको वन से इंक्रीज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी छोरी बढ़िया कैलिपर की खत्म कर दी है ठीक है और अब तुम लोग को इतना समझने के बाद तुम लोग वर्नियर कैलिपर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है आईआईटी का वाईटी का एडवांस कुछ भी कर सकते हो ओके आई एम एंडिंग द क्लास नाउ हियर बाय